हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद है सब बहुत बढ़िया होंगे, जानदार शानदार होंगे और जम के तैयारी चल रही होगी एग्जाम की जबरदस्त तरीके से। तो दोस्तों, आज का टॉपिक फिर से एक और प्रैक्टिकल टॉपिक है, जिसे मैं आपको बिना बुक रीड किए टिप्स पे याद करा दूंगा विद प्रैक्टिकल रियल लाइफ एग्जाम्पल जो आपकी स्क्रीन पे है। यानी कि आज की हम बात करने वाले हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? और जैसे कि मैंने आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज का है ना सर्टिफाइड ट्रू कॉपी दिखाई थी मेमोरेंडम की, तो यही रिलायंस इंडस्ट्रीज की सर्टिफाइड ट्रू कॉपी है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन दोस्तों हमने पहली बार कहां पे पढ़ा था? सर, हमने पहली बार आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जाना था जब हम कंपनी का इनकॉर्पोरेशन कर रहे थे। तो पहला ही पॉइंट क्या था? सर, पहला ही पॉइंट था जिसका कोड हमने लिखा था, मंडप पे आओ। है कि नहीं बात याद आया? मंडप पे आओ, शादी है भाई, मंडप पे आओ। तो उसमें हमने सबसे पहला कोड पढ़ा था, हम आरओसी में क्या दे के आते हैं जब इनकॉर्पोरेशन कराते हैं, एक मेमोरेंडम और साथ में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मोआ और ओआ। तो आज हम उसी ओआ के बारे में बात करने वाले हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो उम्मीद है राइट, आज का लेक्चर बहुत जबरदस्त होने वाला है और आपको वो ज्ञान प्राप्त होगा जो प्रैक्टिकली होना भी चाहिए। राइट, इसमें सारी बातें किसकी लिखी हैं? सर, सारी बातें लिखी हैं आर्टिकल और मेमोरेंडम की। तो हमें फोकस इस पे करना है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो आपकी स्क्रीन पर है, यानी कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बारे में हम जो पढ़ेंगे वो सारी बातें प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होती हैं आपके पास है। और मैं ये मेमोरेंडम और आर्टिकल रिलायंस इंडस्ट्रीज का आपको भेज दूंगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन देखो, मेमोरेंडम में हमने देखा था 7 क्लॉज होते हैं, यानी कि मेमोरेंडम कुछ ही पेजेस में खत्म हो जाता है, डिटेल्ड बहुत ज्यादा नहीं बनाया जाता। लेकिन लेकिन सबसे पहली और सबसे जानदार बात, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या लिखेंगे? सिंपल सी बात, जो गीला नहीं है वो कौन है? जो गीला नहीं है वो सूखा है कि नहीं बात? ऐसे ही जो मेमोरेंडम में नहीं है वो कहां है? जो मेमोरेंडम में नहीं है वो आर्टिकल में है। यानी 7 क्लॉजेस के बाद अगर आपको कोई भी बातें लिखनी है तो आप आर्टिकल में लिखेंगे, यानी 7 क्लॉजेस को छोड़ के जो भी बात आप लिखेंगे वो आर्टिकल में लिखेंगे। और वो बातें किससे रिलेटेड होंगी? आपकी कंपनी के इंटरनल मैटर से रिलेटेड होंगी, उसका बाहर वालों से कोई लेना देना नहीं होगा। यानी कि मेमोरेंडम क्या है? मेमोरेंडम है रिश्ता, याद है? रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता कहलाता है आपका यानी कंपनी का और बाहर वालों का। आर्टिकल क्या है? आर्टिकल है रिश्ता किसका? आर्टिकल रिश्तेदारी है कंपनी के इंटरनल लोगों की। वो कंपनी को चलाएंगे कैसे, मैनेजमेंट कैसे करेंगे कंपनी का, उससे रिलेटेड सारी बातें लिखी होती है। अब देखो कितनी सारी बातें है ना इसमें लिख कर दी हुई है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। टेबल ऑफ एक्सक्लूडेड ये भी बताऊंगा क्या है ना, इंटरप्रिटेशन आर्टिकल्स में लिखना है, एक्ट इसके बारे में, नंबर। अब देखो सबसे पहली चीज, शेयर कैपिटल एंड वेरिएशन ऑफ राइट्स, काइंड्स ऑफ शेयर, सर्टिफिकेट, बियर सील, ये सब सारी बातें किसमें लिखी है? आर्टिकल में। लियन, शेयर को जब्त करने से रिलेटेड सारी बातें। कॉल्स ऑन शेयर की सारी बातें कहां लिखी जाएंगी? आर्टिकल में। ट्रांसफर ऑफ शेयर की सारी बातें, फोरफीचर ऑफ शेयर है कि नहीं बात, ये सारी बातें कहां लिखी जाएंगी? इसमें लिखी जाएंगी आर्टिकल में। ज्वाइंट होल्डर है, तो कितनी बातें हैं समझ सकते हो आप, मैं पेज पलटता जा रहा हूं। मीटिंग की सारी बातें आर्टिकल में, राइट। वोटिंग राइट्स की बातें, प्रॉक्सी की बातें, प्रैक्टिकल डायरेक्टर्स के लिए कुछ रिलेटेड चीजें, जो सारी की सारी बातें हम किसमें लिखेंगे? आर्टिकल्स में लिखेंगे। तो देख कितनी लंबी चौड़ी लिस्ट है, रजिस्ट्रार, डिविडेंड, रिजर्व, अकाउंट्स, जनरल पावर, ये सारी बातें लंबी चौड़ी लिस्ट है जो हमें आर्टिकल में लिखनी पड़ती है। यानी शॉर्ट में कैसे याद करना है, अगर कोई बात हम मेमोरेंडम में नहीं लिख रहे, 7 क्लॉज के अलावा कोई बात हमें लिखनी, तो हम कहां जाएंगे? आर्टिकल के पास जाएंगे। उम्मीद है बात आपको बहुत शानदार जानदार तरीके से समझ में आ चुकी है, ठीक है ना। तो आर्टिकल के बाद फिर एनेक्सर्स है ना, जो हमने मेमोरेंडम में देखे थे वो सारे लिखे होते हैं। फिर कुछ सर्टिफिकेट्स होते हैं कंपनी के, जो मैंने आपको मोवा में मेमोरेंडम पढ़ाते टाइम पे दिखा दिए थे, नेम क्लॉज के सर्टिफिकेट और रजिस्ट्रेशन क्लॉज के सर्टिफिकेट। उसके बाद जो भी पेजेस आते हैं, उसके बाद जो भी पेजेस आते हैं उसमें मेमोरेंडम और आर्टिकल्स को डिटेल में लिखा जाता है, ठीक है ना। ये मेमोरेंडम के जो क्लॉज है ना वही सारे क्लॉज है, बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से, राइट। ये कंपनी के क्या हो गए? ऑब्जेक्टिव क्लॉज में बिजनेस वगैरह हो गए सारे, ठीक है ना, राइट। ये सब चीजें आपको एक्चुअली में मेमोरेंडम में लिखकर देनी है,
तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि मेमोरेंडम भी कितना लंबा चौड़ा हो सकता है, लेकिन आर्टिकल से तो वो बच्चा ही रहता है। ठीक है जी बात। फिर उसके बाद शुरू होती है कहानी आर्टिकल की, और आर्टिकल की कहानी बहुत लंबी चौड़ी कई पेजेस में जाती है। अगर आप देखोगे तो सब्सक्रिप्शन क्लॉज, ठीक है, मेमोरेंडम में मैंने आपको सब्सक्रिप्शन क्लॉज बताया था ना कि हर एक सब्सक्राइबर के आगे क्या लिखना पड़ता है, शेयर एड्रेस लिखना पड़ता है। देखो ये रहा, ठीक है ना, जैसे 7 सब्सक्राइबर होते हैं, सब्सक्राइबर का एड्रेस लिखना है, नंबर ऑफ शेयर कितने ले रखे हैं, और एक विटनेस होता है। तो देखो इन सभी के लिए विटनेस कौन है, इन सभी सब्सक्राइबर के लिए विटनेस एक ही है, ठीक है ना, वो उन्होंने अपना साइन कर दिया होगा और अपना नाम लिख दिया, और ये सारे सब्सक्राइबर उनके नाम और उनके शेयर्स लिख के हैं। बात आपको समझ में आ चुकी होगी 4 मई 1973 को। और फिर उसके बाद शुरू होती है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की कहानी। ठीक है, उम्मीद है प्रैक्टिकली आपने देखा होगा किस तरीके से मेमोरेंडम और आर्टिकल काम करते हैं, राइट। और ये किसका था, रिलायंस इंडस्ट्रीज का था। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज की शानदार जानदार बात। स्क्रीन पर देखिए भाई और बहनों, स्क्रीन पर देखिए क्या लिखा है। ठीक है जी, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन सबसे बड़े मुद्दे की बात, होता क्या है, कंपनी को चलाने के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर इंटरनल मैनेजमेंट। ठीक है जी, बाहर वालों के लिए नहीं, इंटरनल मैनेजमेंट यानी इंटरनली मैनेजमेंट के अंदर जो लोग बैठे हैं वो कंपनी को कैसे चलाएंगे, अपने वो खुद के क्या करते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन डेवलप करते हैं। अगली खतरनाक बात, जो खतरा भी बन रहा है आपके सामने, एओए एमओए और एक्ट। ठीक है, यानी एओए मेमोरेंडम और एक्ट से एक्सीड नहीं कर सकता। एओए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम अपने पिताजी, और एक्ट कंपनीज एक्ट अपने दादाजी से ऊपर नहीं निकल सकता। टेंशन कोई बात नहीं, आगे प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाऊंगा आपको। अगली बात, अगली मजेदार बात, अगर आर्टिकल और मेमोरेंडम में लड़ाई है, अगर आर्टिकल और मेमोरेंडम में लड़ाई है, ठीक है, तो कौन जीता माना जाएगा पहले से ही। मेमोरेंडम बच्चे में और पापा में लड़ाई है, ठीक है, तो यूनिवर्सल लॉ है, पापा ही जीतेंगे। ठीक है जी बात। तो अगर आर्टिकल और मेमोरेंडम में कोई कॉन्ट्रडिक्शन है तो मेमोरेंडम प्रिवेल करेगा, यानी कि सिंपल सी बात, कौन जीतेगा, मेमोरेंडम ही जीता माना जाएगा। इसका मतलब क्या है कि आर्टिकल मेमोरेंडम से एक्सीड नहीं कर सकता, पिताजी से ऊपर नहीं जा सकता। सर समझ के बात, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। केस देखो इसके ऊपर कितने शानदार है, सुनना ध्यान से। डायरेक्टर ऑफ द कंपनी ने स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया, स्पेशल रिजोल्यूशन, सर ये बहुत बार आता है स्पेशल रिजोल्यूशन, तो नलायको स्पेशल रिजोल्यूशन का मतलब होता है कि 100 में से, यानी कि 100 लोग हैं कंपनी के, 100 लोग हैं, 100 मेंबर या शेयर होल्डर कह दो, है ना, कंपनी के 100 मेंबर हैं, 100 में से 75% इस फेवर में है, 75, बाकी 25 नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं है हमें। 75% अगर कोई वोट कर देता है किसी के ऊपर, है ना, कि हाँ भाई हम ये काम करेंगे, हम एग्री करते हैं, 75% लोग हाँ कह रहे हैं, तो 75% को बोला जाता है स्पेशल रिजोल्यूशन। और सर अगर 50% से ऊपर हो, यानी कि अगर 75 की जगह मान लो 50 से ऊपर, मान लो 60% लोग हाँ कर रहे हैं, तो उसे बोला जाता है ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। ठीक है ना, तो 75% की वोटिंग चाहिए स्पेशल रिजोल्यूशन, यानी कि स्पेशल रिजोल्यूशन जब पास कराऊंगा तो मुझे पता होगा कि 100 लोग आएंगे वोट करने, तो 75 वोट यस में खींचनी पड़ेगी, अपने फेवर में खींचनी पड़ेगी, तभी वो काम हो पाएगा। और अगर ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करना है, यानी कि लॉ में लिखा है सिर्फ ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास कर दो, स्पेशल की जरूरत नहीं है, तो मुझे सिर्फ ऑर्डिनरी के लिए कितने चाहिए, मोर देन 50, यानी कि 100 लोग आएंगे तो 51 लोगों को मनाना है, ठीक है, वोटिंग कराने के लिए, राइट। समझ में आ चुकी होगी बात। केस देखते हैं ध्यान से, केस क्या लिखा है, डायरेक्टर ऑफ द कंपनी ने स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया और इंक्लूड कर दिया आर्टिकल में कि डिविडेंड पेड होगा कैपिटल से। इससे पहले भी मैंने आपको सेम एग्जांपल दिया है, क्या डिविडेंड कभी कैपिटल से पे हो सकता है, ना मुन्ना ना, डिविडेंड हमेशा प्रॉफिट से पे होता है। ये बात कंपनीज एक्ट में लिखी है। किसमें लिखी है, कंपनीज एक्ट में। कंपनीज एक्ट में अगर कोई बात लिखी है, किसी सेक्शन में कोई बात लिखी है, उससे ऊपर आप नहीं निकल सकते। कानून से ऊपर कुछ नहीं, कुछ नहीं, कानून से आगे कुछ नहीं, कुछ नहीं, कानून सच्चा कुछ नहीं, कुछ नहीं, गाना आपको गाना पड़ेगा।
ठीक है, तो कानून से ऊपर निकल नहीं सकते, तो क्या बोलोगे आंसर क्या है, की मतलब आंसर, दिस ऑल्टरेशन है ना, दिस ऑल्टरेशन इज नॉट वैलिड एज डिविडेंड कैन बी पेड ओनली एंड ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट्स। तो आप क्या बोलोगे, आप लिखोगे देयरफॉर ऑल्टरेशन इज, ऑल्टरेशन इज अल्ट्रा वायर्स ऑफ कंपनीज एक्ट, यानी कि आर्टिकल की कोई भी बात ना मेमोरेंडम से ऊपर जा सकती ना कंपनीज एक्ट से ऊपर जा सकती, तो ये ऑल्टरेशन आपका बिल्कुल वॉइड है, ये माना नहीं जाएगा। अगला क्वेश्चन, जवाब आप देंगे, इन आर्टिकल इट इज रिटन दैट लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इंक्रीज बाय 10 रुपी पर शेयर, मेंबर्स की लाइबिलिटी को 10 रुपए पर शेयर से बढ़ाया जाता है, बाद में कॉल कर लेंगे, है कि नहीं बात, राइट और ये बात हमने आर्टिकल को अमेंड करके लिख दी, आर्टिकल में लिख दी, आंसर आपको देना है क्या ये बात सही है या गलत है, वैलिड है या नहीं है, ऑल्टरेशन इज वैलिड और नॉट, सोचो जल्दी, सोचो जल्दी, सोचोगे तभी एग्जाम में जल्दी लिख पाओगे विद लीगल लैंग्वेज। सर ये बात बिल्कुल सच है, लगा लो काटे नलायको, लाइबिलिटी के बारे में कहां पढ़ा जाता है, लाइबिलिटी के बारे में पढ़ा जाता है सर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन लाइबिलिटी क्लॉज। तो भाई लाइबिलिटी क्लॉज, लाइबिलिटी के बारे में कि हम लाइबिलिटी कितनी बढ़ाएंगे कितनी घटाएंगे, है कि नहीं बात, ये बात हमें कहां लिखनी पड़ती है, मेमोरेंडम के क्लॉज में लिखनी पड़ती है, लाइबिलिटी क्लॉज में लिखनी पड़ती है, तो उसमें जो चेंज होगा वो मेमोरेंडम ही तो कर सकता है, पापा की अगर कोई बात है तो पापा ही तो बदलेंगे, पापा बच्चा थोड़ी बदल सकता है। तो आंसर क्या होगा, इज इट अ वैलिड ऑल्टरेशन, नो इट इज नॉट अ वैलिड ऑल्टरेशन एज आर्टिकल कैन नॉट प्रिवेल ओवर मेमोरेंडम, आर्टिकल मेमोरेंडम से प्रिवेल नहीं कर सकता, है कि नहीं बात, देयरफॉर आर्टिकल कैन नॉट चेंज द लाइबिलिटी क्लॉज, ठीक है जी बात, लाइबिलिटी क्लॉज में आर्टिकल चेंज नहीं ला सकता, वो कौन चेंज ला सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ मेमोरेंडम ही चेंज कर सकता है, इसलिए आप क्या लिखोगे, इसलिए आप लिखोगे ऑल्टरेशन इज, है ना, ऑल्टरेशन इज अल्ट्रा वायर्स किसके, ऑल्टरेशन इज अल्ट्रा वायर्स ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ऑल्टरेशन इज अल्ट्रा वायर्स ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो दो क्वेश्चन बहुत ही शानदार जानदार बिल्कुल प्रैक्टिकल नॉलेज आपको मिल चुकी है कि पहले से क्या पता लगा, पहले से पता लगा आर्टिकल, ठीक है जी बात, आर्टिकल हमारा कंपनी एक्ट से ऊपर नहीं जा सकता, दूसरी बात से क्या पता लगा आर्टिकल हमारा एमओए से मेमोरेंडम से ऊपर नहीं जा सकता। उम्मीद है बात आपको बहुत शानदार तरीके से समझ में आ चुकी होगी, अगले कदम को बढ़ाते हैं, राइट देखते हैं आर्टिकल में हमें क्या क्या कंटेंट नोट करना है, क्या क्या बातें है ना लिखनी है। आर्टिकल सेक्शन पांच ये बोलता है कि हमें ये बातें आर्टिकल में लिखनी है, यानी इन बातों का खुलासा आर्टिकल से होता है। आर्टिकल में क्या लिखा होता है, आर्टिकल में सबसे पहले लिखा होता है कंटेन द इंटरनल मैनेजमेंट रूल, इंटरनल यानी कि कंपनी के अंदर के जो मैनेजमेंट के रूल्स हैं वो सारी बातें लिखी होती हैं, जो मैंने आपको अभी प्रैक्टिकली रिलायंस के आर्टिकल एसोसिएशन को बिल्कुल स्क्रॉल करके दिखाया, बहुत सारी बातें लिखी थी, राइट। कंपनी में इंक्लूड एडिशनल मैटर फॉर मैनेजमेंट, अगर कंपनी को लगता है मैनेजमेंट के लिए कोई एडिशनल मैटर डालना है, यानी कि हमें बहुत बेसिक बातें भी डालनी है, ठीक है, इसके अलावा राइट जो लिखा है आर्टिकल में, उसके अलावा भी आपको कोई और बातें भी डालनी है कि भाई कंपनी डबल शिफ्ट में भी काम कर सकती है, पहले फर्स्ट शिफ्ट में काम करती थी, सुबह रात में भी काम करेगी, तो आर्टिकल में आप है ना लिख सकते हैं, टाइमिंग के बारे में लिख सकते हैं, है कि नहीं बात, तो छोटी मोटी बातें भी आप आर्टिकल में डाल सकते हैं। अगली खास बात सुनो, बहुत ही ज्यादा खास बात लिखा है सर, एंट्रेंचमेंट, एंट्रेंचमेंट का मतलब क्या है, तो इसका मतलब होता है प्रोटेक्ट समथिंग, किसी को बचाना है, प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, देश के प्रधानमंत्री साहब की प्रोटेक्शन करनी है, तो उनकी जो सिक्योरिटी होगी बिल्कुल हाई लेवल की होगी, नहीं होगी, ठीक है ना, मतलब कोई भी चीज छू भी ना सके,
इतनी प्रोटेक्शन तो ना देनी पड़ेगी। तो प्रोटेक्शन देने के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है जो आम आदमी की प्रोटेक्शन से बहुत एक्स्ट्रा होता है या थोड़ा ज्यादा होता है कि भाई इस पर्सन को तो हमें बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करके रखना ही रखना है। तो यही बात यहां पे लगती है। अगर मुझे लगता है कि कोई भी काम जो मुझे करना है अपनी कंपनी के लिए उसकी प्रोटेक्शन थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए, तो मैं उसमें थोड़ी सी रेस्ट्रिक्शन ज्यादा डाल देता हूं कि इस काम को करने के लिए थोड़े और रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो किए जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी भी मैटर को लेकर मुझे यह पता है स्पेशल रिजोल्यूशन पास होगा, लेट से कॉल्स इन एरियर के लिए, है ना। स्पेशल रिजोल्यूशन पास करेंगे हम, कितनी कॉल्स मंगा सकते हैं, कितनी ज्यादा कॉल्स कर सकते हैं, एक फर्स्ट कॉल, सेकंड, थर्ड, फोर, फाइव, सिक्स, कितनी कॉल्स मंगाए, ठीक है। स्पेशल रिजोल्यूशन हमें पास करने की जरूरत है। मुझे लगता है इस काम के लिए मुझे और ज्यादा रिस्ट्रिक्शन या और ज्यादा सेफ्टी लगानी पड़ेगी, तो मैं क्या बोलूंगा, मैं ये बोलूंगा भाई साहब एक काम करते हैं, जब भी हम ये काम करेंगे तो 75% वोटिंग की जगह 90% वोटिंग करेंगे, ठीक है ना। या दूसरा एग्जाम्पल, मान लो हमें किसी को, है ना, कंपनी से निकालना है, ठीक है, तो हमें लग रहा है कि यार इंटरनल मैनेजमेंट में कभी भी कुछ भी गड़बड़ होती है तो हम इस बंदे को कंपनी से निकाल सकते हैं। तो मैंने कहा जब भी हम निकालेंगे तो 75% तो वोटिंग चलो उस काम के लिए हम ले लेंगे, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना है तो मान लो 75% वोटिंग उस काम के लिए हो जाएगी। लेकिन मुझे लगता है इसके अलावा 75 के अलावा हम कुछ स्पेशल, है ना, बात भी स्पेशल रिस्ट्रिक्शन डालेंगे, जैसे कि किसी भी पर्सन को तभी निकाला जाएगा जब उसके ऊपर जुर्म साबित हो जाए, ठीक है ना, या फिर किसी स्पेशल किसी भी सोसाइटी के या शहर के प्रतिष्ठित, है ना, यानी कि एक ऑनर्ड पर्सन को बुलाया जाएगा, ठीक है, और उनसे पूछा जाएगा सर अगर कोई ऐसा काम करता है तो हमें क्या करना चाहिए, उनकी सलाह ली जाएगी, है कि नहीं बात। तो आपने अपने शहर के गांव के किसी भी पर्सन को बुलाया, जैसे कि प्रधान, गांव के प्रधान को, है ना, तो उनसे पूछ लिया सर देखो इन्होंने ऐसा काम किया, अब आप बताइए हम क्या करें इनके साथ, तो उनकी सलाह भी ली जाएगी। यानी कि स्पेशल रिजोल्यूशन के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन डाली जाएंगी, एक्स्ट्रा रेस्ट्रिक्शंस डाली जाएंगी ताकि हम उसको और प्रोटेक्ट कर सकें। उसे बोलते हैं एंट्रेंचमेंट, किसी चीज को स्पेशल रिजोल्यूशन से ज्यादा रेस्ट्रिक्शन लगाकर प्रोटेक्ट करना और बचाना, राइट। देखो क्या लिखा है, प्रोटेक्ट समथिंग मोर रेस्ट्रिक्शन देन एसआर, स्पेशल रिजोल्यूशन से ज्यादा रेस्ट्रिक्शन हमें लगानी है। स्पेशल रिजोल्यूशन तो अपने आप में रेस्ट्रिक्शन है, क्यों, 75% वोट इकट्ठी करना कितना मुश्किल है, 75%, उसके साथ और 10 बातें जोड़ दो भाई, 75 के साथ साथ ये भी होगा वो भी होगा, तो हम किसी पॉइंट को बचाना चाहें तो हम उसको ऐसे कर सकते हैं। अब जब ये बात हम करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें एक तो आर्टिकल को ऑल्टर करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। कब ऑल्टर चेंज करूंगा, कंपनी बन चुकी है उसके बाद आप उसको चेंज कर दें, ठीक है, कि भाई हम ये एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन या हम ये एक्स्ट्रा रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, या फिर आप इसी एंट्रेंचमेंट को कंपनी के फॉर्मेशन के टाइम पे ही डाल दें, ठीक है ना, कि भाई हम इस तरह की एक्स्ट्रा रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे इन कामों को लेकर, ठीक है। उसके बाद क्या करना है सर, उसके बाद कुछ भी नहीं, कोई सिंपल सी बात करनी है, नोटिस भेज देंगे इस बात का, किसके पास, रजिस्ट्रार के पास, उनको तो बताना पड़ेगा सर ऐसा हो रहा है, ये लीजिए नोटिस, हमने कंपनी लॉ में जो लिखा है एसआर उसके साथ साथ एक्स्ट्रा रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं। फिर ये बातें तो आप जानते ही हैं, याद होगा जब एमओए पढ़ाया था तो आपको टेबल मैंने याद कराई थी बहुत अच्छे से, एफ जी एच आई जे किन किन कंपनीज की होती है आप जानते ही हैं, गाना गाते हुए किसकी याद साथ है, एमओए की याद साथ है, तेरी याद साथ है, तो एमओए की याद साथ है। अब सुनो, यानी कि अगर किसी कंपनी ने जो लिमिटेड बाय शेयर है, ठीक है, उसने टेबल एफ का आर्टिकल अपनाया, ठीक है जी बात, किसका आर्टिकल अपनाया, टेबल एफ, तो टेबल एफ हो गई मॉडल आर्टिकल, कि भैया जो टेबल एफ में लिखा होगा उसे ही मैं अडॉप्ट कर लूंगा, वही मेरे लिए क्या बनेगा, आर्टिकल बनेगा। तो कंपनी में अडॉप्ट, या तो कंपनी सारे के सारे, है ना, प्रोविजन जो टेबल एफ में लिखे हैं, या कोई भी रेगुलेशन जो टेबल एफ में लिखी है ना, अडॉप्ट कर सकती है कंपनी। चाहे तो कहते जैसे टेबल एफ में लिखा है वो सब मैं अपनाता हूं, या इनमें से कुछ चीजों को मैं ले लेता हूं भैया, ठीक है, तो ये कंपनी के ऊपर ओपन है, ठीक है, जो पसंद आए तो लो, ना आए तो ना लो, जो तुमको पसंद वही बात करेंगे, राइट। अगली है सबसे इंपॉर्टेंट खास बात, ध्यान से सुनेंगे, जो बहुत बच्चों को नोट से पढ़ के समझ में नहीं आती, राइट सर क्या बात आ गई ऐसी, अगर कोई भी कंपनी रजिस्टर्ड हुई है आफ्टर कमेंसमेंट
ऑफ दिस एक्ट, कोई भी कंपनी इस एक्ट के बनने के बाद रजिस्टर्ड हुई है, यानी कि कंपनी एक्ट 2013 जिस दिन लगा उसके बाद कोई कंपनी रजिस्टर्ड हुई है, राइट, तो क्या होगा? पीटीओ होगा। पीटीओ मतलब पीट दो, पीटीओ मतलब प्लीज टर्न ओवर, नेक्स्ट स्लाइड पे आएंगे। तो ये बात है ना आपके ऊपर लागू हो जाएगी। सुनना, जो बात नोट्स में लिखी है वो इतनी घुमा फिरा के लिखी है, बच्चों के ऊपर से, बिल्डिंग के ऊपर से निकल जाती है बच्चा, है ना, रोने की हालत में होता है, क्या लिखा है, क्यों लिखा है, ठीक है। पहले उसको, इसलिए मैंने आपको राज की बात SMS व्हाट्सएप लैंग्वेज में लिख के दी है। तो भैया ये राज की बात, राज की बात बताएं, ठीक है ना, हिंदी में समझेंगे पहले ताकि घुटनों तक बहुत बढ़िया तरीके से पहुंच जाए। जो कंपनी 2013 के बाद बनी और उस कंपनी ने मॉडल आर्टिकल एडॉप्ट कर लिया, मॉडल आर्टिकल, है ना, हमने मान लिया कंपनी थी, उसने टेबल एफ एडॉप्ट कर ली, मॉडल आर्टिकल एडॉप्ट कर लिया, उसे अपना लिया और रजिस्ट्रार को दिया ऑन इनकॉर्पोरेशन, यानी जब हम इनकॉर्पोरेट कर रहे थे, ठीक है, तो पहले ही स्टेप में हमने MOA और AOA रजिस्ट्रार को दिया रजिस्टर्ड करने के लिए, और रजिस्ट्रार को जो हमने दिया वो एक्चुअली में एज इट इज टेबल एफ उठा के दे दी कि भैया टेबल एफ तो लेनी ही लेनी है हमें, इसमें से ही है ना चीजों को निकालना है, तो पूरी टेबल एफ दे दी उनको मैंने, ठीक है सर। फिर क्या हुआ, फिर भैया कंपनी को बोला गया आपको जब भी चेंज करना हो तो अपने मॉडल आर्टिकल में चेंज कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, है ना, हम आपको इजाजत देते हैं। कंपनी ने बाद में मॉडल आर्टिकल में कोई चेंज नहीं किया, कोई चेंज नहीं किया, जैसा रजिस्ट्रार को दिया ना बिल्कुल वैसे का वैसे रख रखा, उसमें कोई बदलाव भी नहीं किया, ठीक है जी बात। तो सुनना ध्यान से, सबसे खतरनाक बात जो अब सामने आई, ठीक है, क्या लिखा है देखो, तो मॉडल आर्टिकल ही कंपनी का रजिस्टर्ड AOA माना जाएगा, तो मॉडल आर्टिकल ही, जो भी आर्टिकल उसने अडॉप्ट किया है ना, और उसमें बाद में कोई चेंज नहीं किया, पर उसने इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे वो एज इट इज किसको दे दिया था, रजिस्ट्रार को दे दिया था, तो कंपनी लॉ ये बोलता है जो मॉडल आर्टिकल आपने दिया है, ठीक है, रजिस्ट्रार को, राइट, उसी आर्टिकल को आपके कंपनी का एक्चुअल आर्टिकल माना जाएगा, रजिस्टर्ड आर्टिकल माना जाएगा, और उसके फिर असर आपको बताइए क्या होगा, फिर कंपनी को मॉडल आर्टिकल की रेगुलेशन माननी पड़ेंगी। फिर तो जो भी मॉडल आर्टिकल में लिखा है वो सारी बातें एज इट इज माननी पड़ेंगी, कसम की तरह होगी, मम्मी कसम की तरह आपको बातें माननी पड़ेंगी। तो कंपनी लॉ ये बोलता है भाई साहब आपने पहले टेबल एफ निकाली जब रजिस्ट्रेशन कराना था, तो जल्दबाजी में आपने वो टेबल एफ एज इट इज चिपका दी, किसको, रजिस्ट्रार को। फिर रजिस्ट्रार कंपनी लॉ खुद बोल रहा है भैया अपने हिसाब से चेंज कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फिर आप चेंज नहीं कर रहे, आपने चेंज नहीं किया, आपकी गलती, हम तो ये मानेंगे जो भी अब उस मॉडल आर्टिकल में लिखा है वो सब आपको बातें माननी पड़ेंगी, 101% माननी ही पड़ेंगी। आई होप बात आपको बहुत शानदार तरीके से समझ में आ चुकी होगी, यही था आखिरी पॉइंट, ठीक है ना। अब अगर रिलायंस की बात करें, ठीक है, रिलायंस की बात करें, तो क्या रिलायंस कौन सा आर्टिकल मानता है? तो देखो बस एक ही बात बता रहा हूं ताकि, है ना, आपके घुटनों तक बात पहुंच जाए। क्या रिलायंस 2013 से पहले बनी है, 2013 के बाद बनी है? MOA में मैंने आपको रिलायंस का रजिस्ट्रेशन, है ना, सर्टिफिकेट दिखा दिया था, राइट, कि कब रिलायंस बनी थी, रिलायंस इंडस्ट्रीज, तो वो तो 1956, रिलायंस इंडस्ट्रीज कौन से एक्ट में बनी थी, 1956 कंपनी एक्ट 1956 के हिसाब से बनी थी, तो 2013 से पहले हो गई ना, 2013 के बाद हुई, 2013 से पहले हुई, 2013 से पहले हुई, जो हमने अभी पढ़ा वो तो 2013 के बाद वाली कंपनी के ऊपर लगता है। तो रिलायंस ने अपने आर्टिकल में क्या लिख रखा है, टेबल एफ नॉट टू अप्लाई, हम टेबल एफ अप्लाई नहीं करेंगे, ये एग्जाम के लिए नहीं है, ननाए को कभी दिल पे ले लो, एग्जाम के लिए नहीं है ये, तो मुन्ना ज्ञान सेवा है, ज्ञान सेवा क्या है ये सर, ये ज्ञान सेवा है ताकि प्रैक्टिकल नॉलेज, है ना, आपके घुटनों तक पहुंचाई जा सके, राइट, तो टेबल एफ नॉट टू बी अप्लाई, तो ये लिखा है रेगुलेशन कंटेन इन टेबल एफ इन शेड्यूल वन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 शेल नॉट अप्लाई टू द कंपनी एक्सेप्ट इन सो फार द सेम आर रिपीटेड, है ना,
एक्सप्रेसली इन दीज आर्टिकल और बाय द सेड एक्ट, यानी कि टेबल एफ की कोई भी बातें हम नहीं मानेंगे क्योंकि हमने तो अपना आर्टिकल पहले से बना रखा है। तो अब अपना आर्टिकल अगर पहले से बना रखा है तो उसे कैंसिल करके नया थोड़ी बनाएंगे टेबल एफ के हिसाब से। तो उन्होंने कहा भैया टेबल एफ हम नहीं लगाएंगे। तो ये पावर सभी कंपनी को दी जा चुकी है जो 2013 से पहले बनी थी। उन सबको बोल दिया कि 2013 के एक्ट में जो भी टेबल्स है या तो आप उन्हें फॉलो कर लो, उन्हें फॉलो नहीं कर रहे क्योंकि आपने तो पहले ही आर्टिकल बना रखे हैं, तो टेबल एफ को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, ये वाले मॉडल आर्टिकल को फॉलो करने की जरूरत नहीं, जो पहले बना रखे उन्हीं को फॉलो करते रहो, उन्हीं को चलाते रहो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। राइट, साथ में क्या लिख दिया, टेबल एफ में कुछ बातें लिखी है और पुराने आर्टिकल में कुछ बातें लिखी है, दोनों सेम टू सेम है मैच कर गई, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो हम है ना एक ही बात मान लेंगे। तो उम्मीद है आपको प्रैक्टिकली नॉलेज हो चुकी होगी किस तरीके से मेमोरेंडम और आर्टिकल काम करते हैं। फिर आखिरी पड़ाव आता है, सर हमने मेमोरेंडम भी पढ़ लिया, सर हमने आर्टिकल भी पढ़ लिया, है ना सर इसका कुछ डिफरेंसेस भी हैं? बहुत ही शानदार जानदार डिफरेंस है, वो आपको अब आप समझ ही चुके हैं, डिटेल में बहुत ज्यादा जाने की जरूरत है ही नहीं। मेमोरेंडम क्या बताता है, मेमोरेंडम कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स बताता है, यानी कि 7 क्लॉज के थ्रू कंपनी का अस्तित्व, कंपनी का चार्टर यानी कंपनी का संविधान क्रिएट करता है। राइट, आर्टिकल क्या बताता है, सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ इंटरनल मैनेजमेंट, इंटरनल मैनेजमेंट के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बताता है। कंपनी का क्या रिश्ता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, कंपनी का और आउटसाइडर का रिश्ता बताता है मेमोरेंडम, कंपनी का और इंटरनल लोगों का मेंबर्स का रिश्ता बताता है आर्टिकल। ठीक है, मेमोरेंडम को आप चेंज कर सकते हैं, ऑल्टर कर सकते हैं कुछ सर्कमस्टेंसेज में आप चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन परमिशन लेनी पड़ेगी या तो रीजनल डायरेक्टर से, यानी कि जहां आपकी कंपनी का हेड ऑफिस है वहां के रीजनल डायरेक्टर से, या फिर परमिशन लेनी पड़ेगी एनसीएलटी से, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल से। आर्टिकल को है ना, आर्टिकल को तो अमेंड करना, ऑल्टर करना बहुत ही आसान है, मात्र 75% वोट इकट्ठी कर लो, है ना, और बदलाव कर दो। अल्ट्रावायर्स बहुत डिटेल में आपको पढ़ा है, बहुत जबरदस्त तरीके से, अल्ट्रावायर्स अगर काम किया है मेमोरेंडम से, यानी कि काम मेमोरेंडम से अल्ट्रावायर्स था, लक्ष्मण रेखा पार कर दी, मेमोरेंडम लक्ष्मण रेखा पार कर दी, वॉइड है ना, और आप रेटिफाइड भी नहीं कर सकते, उस काम को रेटिफाइड नहीं कर सकते जो एक बार अल्ट्रावायर्स हो गया। अल्ट्रावायर्स यानी आर्टिकल क्या हुआ, अल्ट्रावायर्स चला गया, ठीक है ना, तो आप उस आर्टिकल में अमेंड करके वो काम कर सकते हैं। अल्ट्रावायर्स ऑफ एओए यानी कि कोई भी काम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से अल्ट्रावायर्स है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था ई वोटिंग वाला, तो भैया जाओ अमेंड करो, आगे एक वर्ड और लगा दो ई वोटिंग, ठीक है ना, तो उसे रेटिफाई किया जा सकता है 75% वोटिंग इकट्ठी करके। लेकिन सबसे बड़ी मुद्दे की बात भैया ये बात मत भूल जाना, किसी भी तरीके से आर्टिकल कभी भी मेमोरेंडम से और कंपनी एक्ट से ऊपर नहीं निकलेगा, इट कैन नॉट एक्सीड मोआ एंड कंपनीज एक्ट। आई होप बात बहुत शानदार तरीके से आपके घुटनों तक पहुंच चुकी होगी। अब कुछ भी नहीं रह गया, अब जस्ट अ रीडिंग ऑफ द नोट्स। तो चलिए भाई और बहनों, नोट्स की तरफ आते हैं। राइट, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ठीक है ना, क्या लिखा है, टुच्ची मुच्ची बात है। द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी आर रूल्स एंड रेगुलेशन विच आर फ्रेम टू मैनेज इट्स इंटरनल अफेयर। मुद्दे की बात पे हाईलाइट करते जाएंगे, बस इंटरनल अफेयर्स को चेक करता है बस ये, ठीक है। मेमोरेंडम तो फंडामेंटल यानी कि बाहर वालों के साथ और कंपनी का रिश्ता, विच अपॉन द कंपनी अलाउड टू इनकॉर्पोरेट, यानी कि वो तो क्या है, चार्टर है, याद आ गया ना, राइट, संविधान है। आर्टिकल क्या है, इंटरनल रेगुलेशंस के बारे में बात करता है। राइट, केस को याद करने की जरूरत नहीं, कुछ खास केस नहीं है। आर्टिकल प्ले पार्ट यानी कि हमने एशबरी वाले केस में भी ये देखा था कि आर्टिकल सिर्फ एक बच्चा है, किसका बच्चा है, सब्सिडरी है, किसकी, मेमोरेंडम की, यानी कि आर्टिकल मेमोरेंडम का बच्चा है, यही तो मैं आपको बताता आ रहा हूं। दे एक्सेप्ट द मेमोरेंडम एज अ चार्टर ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कंपनी तो है ना मेमोरेंडम को चार्टर मानती है, संविधान मानती है।
एंड सो एक्सेप्टिंग इट्स आर्टिकल प्रोसीड टू डिफाइन द ड्यूटीज. आर्टिकल में क्या लिखा होता है, ड्यूटीज क्या है, आपके राइट्स एंड पावर क्या है, ठीक है ना, बिटवीन देम सेल्फ, आपस में खेलना है सब कुछ, खेल लो आपस में खेल लो जितना खेलना है, ठीक है ना, राइट. और किस बेस पर हम कंपनी के मैनेजमेंट के हिसाब से कंपनी को कैरी ऑन करेंगे, कैरी ऑन. एंड ऑन द मोड एंड फॉर्म विच चेंजेस इंटरनल रेगुलेशन ऑफ द कंपनी मे बी टाइम टू टाइम. और कैसे इंटरनल रेगुलेशन को हम टाइम टू टाइम बदल सकते हैं कंपनी को ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए. सर बच्चों वाली बातें लिखी हैं, क्यों लिखी हैं पता नहीं. डॉक्यूमेंट कंटेन द आर्टिकल, है ना, जो भी डॉक्यूमेंट